हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू एंड गेम नंबर 79 ऑफ 100 एंड गेम्स यू मस्ट नो। ये आज की इस एंड गेम में अपन बात करेंगे ब्लॉक पॉन्स की। ब्लॉक पॉन्स यानी कि जो किसी को आगे जाने ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अभी पिछले केस पे अपन बात कर रहे थे जब दो पॉन्स हो, लाइक फॉर एग्जांपल डबल पॉन्स एंड आइसोलेटेड पॉन्स की हमने बात की। बट अब एक में डिफेंडिंग साइड किंग से कुछ नहीं है भाई, डिफेंडिंग अटैकिंग सब एक साइड हो गई है भाई। दोनों के पास एक पॉन आ गया, ब्लैक के पास भी व्हाइट के पास भी। इस केस में तो ऐसे केसेस में कौन जीतता है भाई? ऐसे केसेस में वो जीतता है जो अपने किंग को सबसे ज्यादा पास ले आए। सीधी बात, ठीक है, बुक में की स्क्वायर वगैरह कुछ लिखे हैं, बट बिलीव मी बाढ़ में गया की स्क्वायर। अपन तुमको ये बताएंगे कि कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक का किंग जो है तुमको दिख रहा है, व्हाइट के पिंक व्हाइट के पॉन के बहुत पास है, तो ऐसा देखने में लग सकता है कि भाई ब्लैक तो विनिंग है, पर ऐसा है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देखो, वो एक किंग को कहां से जाना होगा? ये रास्ता किंग को बहुत अच्छा लगता अगर वो यहां से जा पाता, बट ये जो दो स्क्वेयर है ना, ये पॉन ने ब्लॉक किए हुए, तो इसलिए उससे घूम गया। एक दो तीन चार, एक दो तीन, देख रहे हो उसको, एक दो तीन चार मूव लगेंगे यहाँ जाने में, तीन यहाँ पे पहुंचने में और तीन यहाँ पे पहुंचने में। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई अगर व्हाइट का मूव है पहले, कौन जीतेगा भैया? व्हाइट ही जीतेगा, समझ रहे हो? और अगर ब्लैक का मूव बता दो, तुमको सब दिखाता हूँ यार। देखो तुमको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाइट का मूव है, अपन यहाँ पे इधर इधर, उसको बहुत अच्छा लगता अगर वो यहाँ पे जा पाता किंग को, पर वो जा नहीं सकता है, उसको घूम फिर के यहीं से जाना पड़ेगा। और अपने यहाँ जाके उसका ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्या हो रहा है? अपने यहाँ जाके उसका ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, समझ रहे हो? एंड ये अपने आप ही क्यों होता रहता है, समझ रहे हो ना? देखो अपने आप को मैंने कुछ नहीं किया भाई, आई डोंट नो क्या हुआ ये। अच्छा देखो, अभी उस हमने इसको यहाँ से रोक दिया, अभी वो जहां मर्जी जाए वी डोंट केयर, यहाँ जाएगा विल टेक द ऑपोजिशन यहाँ पे एंड नाउ विल गो देयर। अभी तेरे पास ये और ये दोनों ही स्क्वायर नहीं छोड़े भाई, तो जाना ही पड़ेगा पीछे। अब तो जहां मर्जी जा, B7 जाएगा, चला जाए भाई, किंग E6 तो है ही अपने पास, अपन तो पॉन पे पास जाएंगे भाई। यहाँ पे जाएगा तो ऑपोजिशन लेते हुए अटैक कर लेंगे भाई, है ना? यहाँ पे चल ना भाई, ये कुछ हो रहा है चैट, सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो व्हाट इज दैट। ओके व्हाटएवर, अगर वो किंग ए एड जाता है, किंग C7 कोई दिक्कत नहीं है, किंग A7 एंड अगेन कंप्लीटली विनिंग। नो दैट यू नो हाउ टू विन दिस एंड गेम आफ्टर टेकिंग द पॉन। ओके, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर ब्लैक का मूव होता, ब्लैक का मूव कैसे करेंगे? ट्रायंगुलेशन करते हैं भाई, ट्रायंगुलेशन। अभी नाउ इट्स ब्लैक का मूव, सेम पोजीशन, अगर यही पोजीशन में ब्लैक का मूव होता तो ब्लैक जीतता। कैसे? वही देखो ना, एक दो तीन, एक दो तीन, ब्लैक के तीन मूव पहले हो जाएंगे, तो यानी कि वो उसको यहां आने से रोक देगा। ऑब्वियसली देखते हैं भाई कैसे। किंग G3, यहाँ यहाँ एंड यहाँ, हमने उसको यहाँ पे आने से रोक दिया। ओके एंड डिफेंडिंग, अगर वो डिफेंड के लिए भी जाता किंग, लेट्स से एक दो तीन चार पांच मूव लगते, तो डिफेंड के लिए जाने सकता। ओके तो यही क्या हुआ? अच्छा हो गया क्या? सॉरी एक सेकेंड, पूरे बैग हो गया। हाँ अब ठीक है, नाउ इट्स ब्लैक टू मूव सेम पोजिशन, यहाँ पे इधर 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 इधर, यहाँ रोक दिया जाने से, सिंपल यहाँ जाओ ना, क्या दिक्कत है? किंग B3 टेक द पॉन, किंग C3 सिंपली गो किंग A4, कहाँ ही जाएगा? किंग B2 जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो नाउ डोंट पुश द पॉन, लेकिन बिकॉज अगर तुम पॉन पुश करोगे तो किंग A2 है ऑपोजिशन एंड ऑल, बस तुम पीछे नहीं जा सकते। ऑब्वियसली पीछे कौन ही जाना चाहेगा, यहाँ पे जाओगे तो ऑपोजिशन वगैरह रहेगी, तो डोंट प्ले दिस बी पे, टेक दी ऑपोजिशन। ओके अभी जहां मर्जी जाए, यहाँ पे जाए किंग A3 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किंग B1, नाउ यू कैन प्ले B5 क्योंकि पॉन ज्यादा दूर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक और बार
अपन हाँ कर सकते हैं, गेस या वी कैन डू दैट। अभी भी अब उसको हटना पड़ेगा ऑपोजिशन से, राइट? नाउ यू गो ऑपोजिशन, अब अपने को केयर नहीं है, नाउ इट्स कंप्लीटली विनिंग। ऑल्दो तुमको आनी चाहिए एंड गेम, पिंग पॉन एंड गेम, तुमको बहुत बार सिखाई हुई है। सो हमने क्या देखा, जो किंग पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, राइट? अब जैसे इस पोजीशन में डिपेंड करता था, दोनों के पास मूव सेम लग रहे थे पहुंचने के लिए, बट जिसका मूव होता, यानी कि व्हाइट तो मूव था तो व्हाइट जीतता था, ब्लैक तो मूव था तो ब्लैक जीतता था, लेकिन मूव जिसके कम थे ना वो जीतता है। हमने एक एंड गेम सीखी थी काउंटिंग द टेम्पो, अगर तुम्हें याद है, यू कैन डू दैट, काउंट करो एंड यू कैन विन, सिंपल, यू विल नो कि कौन जीत रहा है भैया ना। सो भाई अभी इसी के साथ ना एक पजल भी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है, वो तुम्हारे सामने वो पजल। भाई व्हाइट टू मूव है, ये क्या हो जाता, मैंने तो हाथ भी लगाया, देखो व्हाइट टू मूव है, ठीक है, हु इज विनिंग यहाँ पे एंड क्या विनिंग प्रोसीजर है, क्या है वो तुम लोग बताओगे भाई, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमको देखने में इजी लग रहा होगा ये, बट हो सकता है तुम्हारे सिर के ऊपर से चली जाएगी बड़ी पता, तो इसलिए पहले कह रहा हूँ ट्राई जरूर करना, और जो भी सही आंसर देगा और सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाद में जो फ्यूचर में लोग आए इसको देखें वो अपना आंसर मैच कर सकें, ठीक है? तो बस अगर हाँ, और साथ में एक और चीज मेरे को बताना कि अगर यही इसी पोजीशन में ब्लैक टू मूव होता तो क्या होता, अभी व्हाइट टू मूव है लेकिन इफ इट वाज ब्लैक टू मूव देन क्या रिजल्ट में कुछ चेंज होता है या क्या होता इस चल में। ओके मिलता हूँ तुमसे अगली एंड गेम में, तब तक के लिए बाय बाय।